हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग होगा उसमें हम रेसिपी बताएंगे आपको। तो अभी हमारी टीम रेडी है बिल्कुल एकदम, तो आप पीछे देख सकते हैं। आप मेरे साथ हैं यहाँ पे अभी आदि और युवराज और अनमोल, तो एक और भी आ रहा है लड़का भी मोंटी, तो और साथ में राणा अंकल भी होंगे। एक गाय का रेस्क्यू है झनियारी साइड में, जो कि सलासी से आ गया है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आइए आपको आगे का ब्लॉग बताते हैं। और अंकल जी आ गए। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में एक जसमानक भी है। मैं उनको जसमानक बोलता हूँ, लेकिन ये है नहीं ये बोलते कि मैं हूँ नहीं, लेकिन ये है। देखो बोला। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं, गाय हमें मिल गई। इतना हो गया चलो, बिल्कुल छोटे कर दूंगा ना, रोटियां ला के ना, दो जने परली साइड में जाइए। सुनो मेरी बात सुनो, इतनी मजबूती ना काम करना, दिमाग से भी गड्डियां क्रॉस आ दी जा रही, ठीक है ना। बाकी रस्सा पाना समझो, तो गाइस ये है वो गाय जिसका जबड़ा टूट गया है। देख सकते हैं आप, रोहित चौहान जी धक्का लगा रहे हैं गाय को। रोहित चौहान जी को लग चुकी है थोड़ी सी। गाय के लिए चारा लेते हुए एक बारी में पट दिया गया। और
चाली से पूरा मुंह पास हो जाएगा ना कि पढ़ा ले तू से जितने भी से यह वास्ते रखना आस्ता पर यह पता क्या टाइम देने फिलहाल सरदार सिंह ने देना पड़ना कुछ क्या दूंगा अपन तो प्यासी भी होगी सबसे पहले पानी चलाना अपने है क्रिटिकल केस है नॉर्मली लेना मजाक से बिल्कुल लानी चाहिए प्राइमरी टास्क है वो पहले ये है ठीक है ना। अभी जो प्रोफेशनल है अपने बाकी जो बच्चे हैं दूसरे इनको नहीं फिक्र करना होगा। हमने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी कि हम किस उद्देश्य से आए और क्या करना है ठीक है ना। तो पहले तो मेरे को दस तो सवेर अभी तो आपने फर्स्ट एड किया मतलब क्या देना है इसको टीके लगाने को। हाँ पेन किलर्स रख देंगे एंटीबायोटिक्स पे और जितना हो सकता है उतनी ड्रेसिंग कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो इसके पेट में तो पानी की बूंद तक नहीं गई होगी तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे उनको ड्रिप लगा दूंगा ना। ड्रिप लगा देना ना आपने। हाँ जी ड्रिप से थोड़ा इसको थोड़ा आहार फीड मिल जाएगी। बच्चों आप सवेरे 9 बजे से पहले हर हालत में पहुँचना खाने की प्लीज ठीक है ना। और इसकी केयर करना अच्छी तरह और सारी गहराई तक मुंह खुलाना इसका तो अंदर से क्या चीज़ है या कोई तार तो नहीं है या कुछ ने रॉड मार दी है या बम ब्लास्ट तो नहीं है कि कुछ सीरों को लगा देते हैं ना मतलब तो हो सकता है वो भी खास हो उसकी वजह से। सवेरे आपको प्रॉपरली मेंटेनेंस करनी साफ सफाई। मैं उनको फोन कर दूँगा कि एक आदमी का उस वाले में काम करेगा 3 आपके साथ होंगे और जैसे इसका काम फर्स्ट एड का हो जाएगा आपको बताइए तो फिर उनको दो बंदे कूद रखे जाना एक अपने साथ रख लेना। चपाती तो इसने खाई नहीं ना। चपाती नहीं खाई इसने तो क्या पहाड़ी का लिक्विड बना सकते। हाँ लिट्टी टाइप पहले साफ हो ना फिर कम से कम ये पेट 5-7-5-6 नलकियाँ जाना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पेट से भूखी हो ना अगर उसको ज़्यादा डाइट दे देंगे तो वो भी नुकसान करती है। तो आप देखिए कम से कम इतनी बड़ी गाय है तो कम से कम 6-7 नलकी उसने आग में देनी फिर 1-2 घंटे के बाद फिर देना वैसे करना आपने। जब ये रोटी नहीं खा रही है तो पत्ते कहाँ खाएगी। नहीं खा पाएगी। नहीं खा पाएगी आपने खुद अपने हाथों से देना इसको। नहीं मैं करता हूँ। फिर देखना पे दांत पूरे टूटी गए या दांत हिल रहे हैं क्या क्या नहीं जीभ कटी हुई है वो सारा देखना आपने और आगे तक देखना क्या है क्या नहीं। और प्लीज़ 9 बजे से पहले पहुँचना केस बहुत खतरनाक है क्योंकि पेट भी पहुँच गया उसके बदल कितने दिन का पुराना केस है कोई डेथ केस है मैंने वहाँ जाना है कल पक्का भरवा डेथ केस है बरसात का मौसम चल रहा है तो आपने मेडिसिन स्टॉक रखनी और कैल्शियम जो स्पष्ट प्रोटी है लेकिन ये सारी चीज़ें रखनी है कल को खड्डे पड़ेंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे फिर हमारे को दुश्मन हो जाएंगे। बदबू पड़ गई इसके मुंह में बदबू है पूरे मुंह में बदबू चल रही है बदबू पड़ी ना कीड़े लग रहे थे कीड़े पड़ गए हों ऐसे ही है कुछ लग रहा है तभी बदबू पड़ती तभी है। और आराम से ले जाना मैंने कलंजड़ी में उतरना और तो दोस्तों अब राणा अंकल उतर गए हैं और मैं अभी अपने भाइयों के साथ पीछे आ गया हूँ और अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे गौशाला क्योंकि यहाँ से 10-15 किलोमीटर का रास्ता है अभी तक और हमीरपुर में कोई ऐसा रेस्क्यू ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से ये गाय वहाँ पर रेस्क्यू हो जाती। अब हमें इतनी दूर से आना पड़ा है इस गाय के लिए स्पेशल तो अभी अंधेरा हो चुका है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं सारे यहाँ पे थे और अंकल ब्रीफ कर रहे थे सारा कि कल क्या करना है और अभी क्या करना है इसको जाके वहाँ पे तो इसकी जो फर्स्ट एड देनी है वो देनी है अभी इसे और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो तब तक हमारे यहाँ पे जसमानक भी है जसमानक हमारे बहुत खुश होते हैं जब हम इन्हें जसमानक बोलते हैं तो
और पता नहीं गाली दे लेकर इस रात है बढ़िया दोनों जो ना एक दामाद लेकर आप कैमरा की तरफ तो देखो स्माइल करो ना रहा है यार आपको आ रहा है आपको कॉल भी आ रही है आपको फोन आ रहा है जो आ रही भाई मेरे को तो नहीं आ रहा है मेरे को आ रहा है यार और बिल्कुल टंग निकला नो भाई जने हमें तो बेइज्जती करवाई है ले लिया भाई वो दसो खो करा वो ये आगा जी का मुंह पूरा चरोई दा और बस हां जी ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਦਾ ਹਰ ਸੜਕ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਆ ਮੁੱਥੂ ਆ ਕਿਲ ਦੇ ਕਾਜ ਲਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਹੈ तो आप कुछ ड्राइवर अंकल के लिए बोलना चाहोगे अभी वो अंधेरे में थोड़ी दिक्कत आती है तो अभी सेट हो जा रहा है ताकि रास्ता ज्यादा अच्छे से दिखे और ये पीछे लेकर जा रहे पकड़ा पकड़ा हुए तो गाय का रास्ता खुल गया था लेकिन हमारे जो वॉलंटियर है मोंटी उन्होंने रास्ता तब से पकड़ के रखा हुआ है ऐसे ही ताकि पिछले 20 किलोमीटर से है ना और अभी आप देख सकते हो हमारे मोंटी वॉलंटियर वो देखना वो भाई पकड़ के रखो यार पकड़ के रखो ओ भाई साहब ओ ओ गिरा ओ ओ